आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन बिल पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष ने मांग की और ये कहा कि वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जाना निजता का उल्लंघन है। माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। वोटिंग इज अ लीगल राइट, चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और बादलोई जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस।